दोस्तों, अभी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला टेस्ला की तरफ से भी नया स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि अभी टेस्ला कंपनी खुद इन्वेस्ट करने वाली है इस स्मार्टफोन का। क्योंकि दोस्तों, अभी साथ ही साथ आपने कई स्मार्टफोन कंपनी देखे होंगे, जैसे कि आप मेन हाई लेवल की बात करें तो अपनी एप्पल और सैमसंग कंपनी हो जाती है। इन दोनों कंपनी के अलावा और भी कोई हाई लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महंगे और अच्छे स्मार्टफोन वगैरह फ्लैगशिप लेवल के और भी ज़्यादा अच्छे फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन बनाते हैं। इनमें कई क्वालिटी भी होती है स्मार्टफोन में, जो कि करीब 1-1.5 लाख के ऊपर के स्मार्टफोन बन जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में टेस्ला कंपनी, मतलब जो एलन मस्क की कंपनी है, वहाँ से मॉडल पाई के बारे में, स्मार्टफोन की जो मॉडल पाई है उसके बारे में थोड़ा बहुत क्लू आया है, जो कि टेस्ला कंपनी के को फाउंडर बोल रहा हूँ, जो मालिक ही हैं एलन मस्क, उन्होंने खुद अपने मतलब सोशल हैंडल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल जो है वो बताई हुई है कि टेस्ला का मॉडल पाई स्मार्टफोन भी आने वाला है, जो कि एक नेटवर्क सिस्टम नहीं होगा लेकिन वो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी स्मार्टफोन जो है एप्पल वगैरह सैमसंग के जो बड़े बड़े स्मार्टफोन होते हैं, इनके कोई भी स्मार्टफोन हो, सारे जो अभी स्मार्टफोन आ रहे हैं सारे के सारे नेटवर्क थ्रू चलते हैं, जो कि इनका एक सिम कार्ड वगैरह लगाया जाता है और सारे के सारे टावर से कनेक्ट होते हैं। आप कहीं भी गलत जगह पे जाते हैं तो उनका टावर मतलब सिग्नल लॉस हो जाता है, कहीं कहीं गांव में कहीं कहीं पे आपको टावर सिग्नल वगैरह नहीं मिल पाता है। इसी कारण दोस्तों, ये टेस्ला कंपनी ने नया फ़ोन जो स्मार्टफोन मॉडल पाई लॉन्च करने वाले हैं, इसमें कोई भी सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट सैटेलाइट थ्रू कनेक्ट रहेंगे, जैसे वॉकी टॉकी या फिर और भी कोई सिस्टम कनेक्ट रहते हैं उसी हिसाब से ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए। क्योंकि स्टारलिंक, मतलब जो एलन मस्क की एक और कंपनी है, स्पेस एजेंसी है, स्टारलिंक के सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा। आप किसी भी कोने पर दुनिया के कहीं पर भी जाएंगे, वो स्टारलिंक द्वारा कनेक्ट होकर आपको एनी टाइम, मतलब उसमें सिग्नल लॉन्च होने का कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा, आप कहीं पर भी जाके अपनी बातचीत जो है वो कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट भी सैटेलाइट के द्वारा ही कनेक्ट रहेगा, सिग्नल लॉस होने का कोई झंझट नहीं। लेकिन अगर ये ऐसा कोई सिस्टम, मतलब ऐसा कोई स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा, एलन मस्क ने खुद अपने सोशल मीडिया पर बताया हुआ है लॉन्च करने के लिए, लेकिन ये जब लॉन्च होगा इसकी प्राइस थोड़ी भले ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें सिग्नल लॉस होने का कोई भी खतरा नहीं होगा।